बड़ी दुखद खबर के साथ, यमुना घाटी में यात्रियों की बस खाई में गिरने से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें अभी मौतों का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है और ये बस करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। सूचना मिलने पर मौके पर एसडीआरएफ के जवानों को राहत बचाव कार्य में लगा दिया गया। एसपी अर्पण यदुवंशी ने बताया है कि डामटा से तकरीबन 2 किलोमीटर नौगांव की तरफ ये दुखद हादसा हुआ। बस में सवार यात्री जिला पन्ना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 5 तस्वीरें उत्तरकाशी में भीषण सड़क हादसे की। 3 एम्बुलेंस स्पॉट पर पहुंची, राहत बचाव कार्य जारी। जानकारी ये भी मिली कि बस में 28 से 29 लोग सवार थे, यानी 30 लोग इसमें सवार थे। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात देहरादून पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में घायल तीर्थ यात्रियों से बातचीत की है। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर हालात और रेस्क्यू ऑपरेशन की भी जानकारी ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी देहरादून पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल भी जाना। तो 5 तस्वीरें, मुख्यमंत्री लगातार बैठक लेते रहे, देर रात की घटना। घायलों से हालचाल जानने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उत्तरकाशी में भीषण हादसा हुआ, गहरी खाई में बस गिर गई जिसमें 30 यात्री सवार थे। 26 लोगों की इसमें जान जा चुकी है, 4 यात्री अभी भी घायल बताए गए हैं। भीषण हादसा, मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है और दिवंगतों के प्रति गहरा दुख भी जताया है। तो देर रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए थे उत्तरकाशी, वहां लगातार आपात बैठक बुलाते रहे। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, लगातार बैठक लेते रहे और रेस्क्यू ऑपरेशन, एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी रही। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ 3 अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता भोपाल से अनुराग मालवी हैं, हमारे साथ अजीत काम्बोज है देहरादून से और हमारे साथ कादिर खान है पन्ना से जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल चलते हैं, विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े। अनुराग, जिस तरह से देखें भीषण दुखद हादसा हुआ और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता ही कहेंगे कि जिस तरह से देर रात वहां पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, बैठक जो है उन्होंने की, एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी रही, अभी ग्राउंड जीरो पर भी सुबह पहुंचे थे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से अगर हम देखें कि जैसे ही मुख्यमंत्री को सूचना मिली थी, उसके तुरंत बाद उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की। इस संवेदनशीलता का स्तर ये देखना होगा कि इस तरह से मुख्यमंत्री पूरी रात जागे हैं, उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए। लगभग 11:30 बजे रात को मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं। 12:30 के तकरीबन बिल्कुल आधी रात में मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचे और देहरादून पहुंचने के साथ ही सीधे सबसे पहले वो कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। कंट्रोल रूम से उन्होंने तमाम बात चीजों का अपडेट लिया। उनके साथ ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हैं जो कि मंत्री तो हैं ही, साथ में पन्ना से घटनास्थल के सबसे ज्यादा जो मृतक है वहां से विधायक भी हैं, तो वो वहां पर साथ में मौजूद थे। और जब अपडेट्स उन्होंने कंट्रोल रूम से लिए, उसके बाद तुरंत ही जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी थे उत्तराखंड के, उनके साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की और बैठक के बाद दिशा निर्देश दिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपना पर्सनल फोन नंबर और तमाम वो चीजें उपलब्ध कराई, ताकि पूरे समय देर पूरी रात भर जो है वो लगातार मुख्यमंत्री संपर्क में बने रहे। रात भर मुख्यमंत्री जागे हैं अगर हम देखें तो। उसके बाद में सुबह घटनास्थल के लिए जल्दी रवाना हो गए, घटनास्थल पर पहुंच गए। इस बीच में रात में ही मुख्यमंत्री हॉस्पिटल पहुंचे थे, घायलों से तमाम चर्चा की। तो पूरी रात मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं सक्रिय रहे। उनकी कोशिश थी कि जितने बेहतर तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हो सके वैसा होना चाहिए, और सही ये हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं खुद एक रेस्क्यू वॉरियर की एक भूमिका में नजर आए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस दुखद हादसे में जिस तरह से संवेदनशीलता मुख्यमंत्री ने दिखाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे कामों में तेजी आती है और कहीं ना कहीं संजीदगी भी आती है। बिल्कुल, संजीदगी भी आती है और कामों में तेजी आती है, सक्रियता लगातार बढ़ जाती है जब खुद प्रदेश के मुखिया वहां पहुंच जाए और ऐसे में अपने ही प्रदेश के लोगों से गहरी संवेदना प्रकट करें, तो जाहिर तौर पर उनकी संवेदनशीलता जाहिर होती है। हमारे साथ अजीत काम्बोज भी जुड़े हुए हैं देहरादून से। अजीत, जिस तरह से बात करें, अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पहुंचे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ जानकारी दी गई, क्या दिशा निर्देश दिए, जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे किस तरह के हालातों को देखते हुए समझते हुए जानकारी दी गई?
बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो देर शाम को 7 बजे भीषण हादसा हुआ है जिसमें 26 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है और उसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था जो सुबह तक चला और 7:30 बजे सुबह ये रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त किया गया। तो साफ है कि कितना बड़ा ये हादसा होगा कि पूरी रात इसमें लगी है। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पन्ना जनपद के जो तमाम तीर्थयात्री थे वो यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो रहे थे और अकाल मृत्यु का शिकार हुए हैं। 30 लोगों में से 26 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और उन सभी के शवों को हिमालयन हॉस्पिटल राजधानी देहरादून में स्थित है वहां पर भेजा जा रहा है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो बेहतर संवेदनशीलता और कोऑर्डिनेशन उनकी तरफ से देखने को मिला है कि देर रात को ही 1 बजे के लगभग वो राजधानी देहरादून पहुंच चुके थे और यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद तत्काल मैक्स हॉस्पिटल जाकर जो 4 गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनसे मुलाकात की है। एक इसमें बस के ड्राइवर भी हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की है कि किन कारणों के चलते पूरा बड़ा हादसा हुआ। और सीधे तौर पर जो बातचीत निकलकर सामने आई उसमें साफ दिखा है कि बस का स्टीयरिंग फेल होने के चलते ये हादसा हुआ है और अब जब इसकी जांच होगी तो उसमें स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ रहा। लेकिन दोनों ही मुख्यमंत्रियों का बेहतर कोऑर्डिनेशन रहा कि तमाम व्यवस्थाएं यहां पर तुरंत फुरंत होती हुई नजर आई और सुबह ही 8 बजे दोनों ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिवराज सिंह चौहान डामटा के लिए रवाना हो चुके थे और 8:30 बजे के करीब उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया, वहां पर जो स्थितियां थी उनको जांचने का काम किया कि वहां पर किस तरह के हालात बने जिसके चलते बस हादसा हुआ। और अब वो सीधे तौर पर हिमालयन हॉस्पिटल जो कि राजधानी देहरादून के जोलीग्रांट में स्थित है वहां पर पहुंच रहे हैं। तमाम जो शव हैं 26 लोगों के उनको यहां पर लाया गया है, सभी को यहां से पन्ना जिले भेजने की व्यवस्था की जाएगी। और शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो देहरादून से रवाना होने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत की थी जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि क्या कुछ वो व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें उत्तराखंड सरकार का पूरा सहयोग उनको मिल रहा है। और शिवराज सिंह चौहान ने खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है क्योंकि मृतकों की संख्या काफी ज्यादा है तो ऐसे में उनको शवों को पन्ना तक ले जाने की व्यवस्था भी केंद्र सरकार की मदद के बिना नहीं हो सकेगी। तो रक्षा मंत्री से एक वायुसेना के विशेष विमान की यहां पर मांग की गई जिसके चलते तमाम शवों को यहां से सीधे पन्ना के लिए रवाना किया जा सके। और अब से कुछ ही देर बाद जब दोनों ही मुख्यमंत्री जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे हिमालयन हॉस्पिटल रवाना होंगे तो उसके बाद वहां पर क्या व्यवस्थाएं की जाएगी। हालांकि पोस्टमार्टम की बात निकलकर जरूर सामने आ रही है लेकिन दोनों ही सरकारों के सहयोग से किस तरह को कम से कम समय में सारी कानूनी कार्रवाई को पूरा किया जा सके तो इन व्यवस्थाओं को बनाते हुए सरकार की कोशिश है कि आज ही तमाम मृतकों के जो शव हैं उनको पन्ना रवाना किया जा सके और तमाम जो परिजन राजधानी देहरादून में मौजूद हैं उनको भी इनके साथ सीधे तौर पर पन्ना भेजा जाए क्योंकि दुख की घड़ी है और दोनों ही सरकार मिलजुल कर ही यहां पर सहयोग कर रही है और दोनों की ही पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द पूरे हादसे से जो भी परिजन आहत हुए हैं या जो भी दिक्कतें पैदा हुई हैं उन सभी दिक्कतों को दूर किया जा सके। बिल्कुल, सभी दिक्कतों को दूर किया जाए और गहरी संवेदना प्रकट की जा रही है। कल्पना नहीं की जा सकती उन परिवार जनों की मनस्थिति क्या होगी जिनके परिजनों को उन्होंने अपना खो दिया है। हमारे साथ पन्ना से कादिर खान भी जुड़े हैं। कादिर, जिस तरह से बात करें, 4 धाम की यात्रा पर निकले थे सभी 5 जून को, एक ही परिवार के कितने लोग शामिल रहे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और जब पहुंचेंगे यहाँ पर शव के लिए उनके परिजनों की क्या कुछ मनस्थिति है इस वक्त? जी, दरअसल लगभग सभी लोग पवई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत के हैं और जो पवई साटा है वहाँ के एकत्रित एक परिवार के कई सारे लोग, लगभग 8 लोग पवई साटा जो साटा ग्राम है वहाँ के लोग। अगर बात करें गांव की तो गांव में मातम का माहौल है और गांव के जो आसपास के गांव है लगभग 6 गांव है, 6 गांव सभी तक बताए जाते हैं। तो अगर शवों की बात करें तो यहाँ पर लोगों को जो परिजन है उन्हें शवों का इंतजार है, सूचना के अभाव में कहीं ना कहीं परेशान भी होते हैं मगर जिला प्रशासन मुस्तैद है और जिला प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है, कंट्रोल रूम ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है जिसके माध्यम से परिजन उस पर संपर्क करके और अपने परिजनों की स्थिति का पता करते हैं। और अगर बात करें शवों के आने की तो विशेष वाहन से जो सेवा जो सेना का वाहन है विशेष वाहन से सब खजुराहो लाया जाएगा, खजुराहो विशेष विमान से खजुराहो लाया जाएगा, विमान के बाद अलग अलग वाहन के माध्यम से जो भी जहाँ के सब है उन्हें गांव के लिए रवाना किया जाएगा। जी, हमारे साथ कादिर खान भी जुड़े हुए हैं। कादिर, जिस तरह से बात करें, भी आपने बताया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत हुई है और कितने बजे कहा गया है कि विशेष विमान से सभी शवों को ले जाने की अनुमति मिली है? जी, यहां पर पूरी तैयारियां चल रही हैं, जिला प्रशासन की टीम पवई जो सिमरिया के पास और एसपी मौजूद है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस बात की कि किस किस गांव में सब जान है, सब वाहन वहां पर खजुराहो पहुंच चुके हैं, खजुराहो में विशेष तैयारियां हैं, जैसे ही विशेष विमान खजुराहो पहुंचेगा खजुराहो के बाद ही सुनिश्चित हो पाएगा कि कब की स्थिति पे सब पहुंच जाएंगे परिजनों के पास।
जी अजीत कांबोज भी हमारे साथ बने हुए हैं, अजीत के पास चलते हैं। अजीत, जिस तरह से बात करें, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि कितने बजे का समय जो है वो दिया गया है, कितने बजे और क्या कुछ तैयारियां उसके लिए कर ली गई, क्या पोस्टमार्टम भी सभी का होगा? बिल्कुल, जिस तरह की जानकारी उत्तराखंड सरकार की तरफ से साझा की गई है उसके अनुसार थोड़ी ही देर बाद जो तमाम शव हैं वो हिमालयन हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और वहां पर उनके पंचनामा या सीधे तौर पर पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और उनकी तरफ से ये बयान ये जारी किया गया है कि तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द यहाँ पर संपन्न कराने की कोशिश होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद है, जो पल पल के अपडेट ले रहे हैं और तमाम जो गाइडेंस है, तमाम जो दिशा निर्देश हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलकर वो स्थानीय अधिकारियों को दे रहे हैं। तो ऐसे में दोनों ही सरकारों के आपसी बिल्कुल दोनों ही सरकारों की आपसी सामंजस्य से जल्दी से सक्रियता से जो काम है वो पूरा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें, बेहद दुखद हादसा हुआ है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड में जो हादसा हुआ है, उस तस्वीरें बड़ी ही विचलित करने वाली हैं। दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, परिजनों का हाल जो है वो बेहाल है। जिस तरह से, जिस खुशी के साथ उन्होंने अपने परिजनों को विदा किया था चारधाम की यात्रा पर, उन्हें बिल्कुल कल्पना नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आएगी और इस तरह से उनका हाल जो है वो सुनाई देगा। तो परिजनों का हाल बेहाल है। उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा हुआ, 200 मीटर गहरी खाई में बस गिर गई जिसमें 30 यात्री सवार थे। और इसके साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।